गाजियाबाद के संजय नगर सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह ये थी कि एक परिवार को बच्चे के जन्म के वक्त ये बता दिया गया कि उनको बेटा हुआ है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि बेटा नहीं बेटी हुई है और परिवार जांच की मांग कर रहा है। बिरजू चौधरी, क्या मामला है पूरा? जो ये मामला जो है सर, मैं यहाँ जब आया तो मैंने एडमिट किया संजय नगर सरकारी अस्पताल है, हम ये कौन सा LT के पास जो है बराबर वहाँ पे आए थे हम संजय नगर में, तो यहाँ पे भर्ती किया है हमने। तो यहाँ जब ने बताया गया पहले बार कि जब बच्चा पैदा हुआ तो हम अपने आदमी वहाँ पे लग गए थे, तो हमारे आदमी को भगा दिया गया वहाँ से। हमारे आदमी को भगाने के बाद कह रहा कि भैया हम जब उनसे पूछने गए दोबारा, जब पहले तो उसने खबर कर दी कि तुम्हें लड़का पैदा हुआ, उसके बाद जब हम मुझे दो घंटा होगा, दो घंटा के बाद हमने सिस्टर से पूछने गए तो सिस्टर कह रही है कि जब तुम्हारे सामने बच्चा होगा तब तुम देख लेना, जब पैर का छापा लगाया गया तभी मुझे कोई दिखा नहीं है, कोई नहीं दिखाया गया। उसके बाद मुझे कह रहा कि तुम्हें जो है कोई आ रहे सामने बच्चे तभी दिखाया जाएगा। आने के बाद हमने मिठाई का डब्बा और सारे कॉलोनी में मिठाई खिलाया, जब लड़का का समाचार दिया हमें तो हमने मिठाई सारे कॉलोनी में बांट दिया, सब लोग खाए। फिर इनके एक आशा साफ करने वाली थी, वो भी कह गई तुम्हें लड़का हुआ। एक सफाई करने वाली थी, वो भी कह रहे हम लड़का कहाँ से बदल देंगे, कहाँ से लड़की कर देंगे। फिर डॉक्टर ने कह रहा कि मैं पुलिस बुला रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल कर रहा हूँ। फिर उसने धमकी उमकी दे के फिर हमें बाहर कर दी धक्के मार के। फिर सर जी हमने जब बताए तो जब कह रहा तो फिर कह रहा तुम ये कर दो। फिर मैंने मुझे समझ में आया, मैंने अपनी जानकारी ली रिश्तेदारों से, तो कह रहा कि वो कौन सा टेस्ट करवाना, मैंने वहाँ भी गए एंटी DNA टेस्ट करवाना, तो मैंने कहा करवा लेंगे। फिर मैं कह सर जी राजनगर पता करने, तो उसने कहा कि एक हफ्ते लगेंगे कम से कम, तो मैंने कहा ठीक है जी सर जी। इस बात पर हमें कोई कन्फ्यूज थी, फिर हमें कोई जानकार वाले मिला तो कह रहा मीडिया अधिकारियों से नहीं मिले सर जी, हमें कोई इतना जान नॉलेज नहीं थी, हमें तो आज दिया गया, किसी ने नॉलेज दिया ऐसे से बात ऐसे से करो, तो अभी हमें पता पड़ी कि ठीक है हम जो मिलते हैं। दोबारा जानकारी सर जी, दोबारा जानकारी लेने गया तो कह रहा क्या हम लड़के बना देंगे लड़की को, तो कह रहा नहीं, तो फिर धक्के मार के हमें बाहर कर दिया गया शीशे के बाहर से। फिर हम लोग दोबारा गए, दोबारा जाते थे बार बार धमकी देता था कि सौ नंबर पे कॉल कर दे रहे पुलिस कर दे, तो मैंने कहा कर दो, तो उसके बाद कुछ नहीं किए। फिर हम बाहर आके अड़ोस पड़ोस से दोस्त यारों से किसी से जहाँ जितने भी लोग थे उससे हम जानकारी लेने की कोशिश की, तो जानकारी लेते लेते हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर जी। तो आपसे हमें जानकारी मिला गया, तो हमें कोई कहा कि प्रेस वाले का नंबर ले लो, प्रेस वाले से आप बात कर लेना।